दोस्तों जब किसी इंसान को जब उसकी गरीबी झंझोड़ती है तो उसकी अंदर से जो निकलने वाली आवाज काफी दर्द भरी होती है। ऐसे ही आवाज अली और उनकी आवाज में इतना दर्द है वो कशिश है। तो आपको हम सुनवाएंगे उनका गाना, तो आपको उनका सॉन्ग सुनवाएंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राजकुमार और आप देख रहे हैं आर के सिंह यूट्यूब चैनल। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन थोड़ा सा मेरा भला जाएगा। तो चलिए दोस्तों आपको सुनवाते हैं आवाज अली का ये न्यू सॉन्ग जो उन्हें अपनी आवाज में अपने अंदाज में गाया है। उम्मीद है कि आपको ये सॉन्ग काफी पसंद आएगा, और दोस्तों सपोर्ट करिएगा इन्हें और सपोर्ट करिएगा इस वीडियो को लाइक करके, इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए आपको सुनवाते हैं उनका सॉन्ग। दोस्तों सॉन्ग सुनवाने से पहले हम आपको एक चीज और बता देते हैं। दोस्तों 21 दिन का हमारे देश में जो है लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है, तो इसके चलते जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस आ रही हैं तो उस गाइडलाइन का हमें सबको पालन करना है, और दोस्तों अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना है, और हमारे देश को इसकी जरूरत है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि हम इस लॉकडाउन के दिनों में हम क्या करें। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल तो यही है कि आपको ये पूरी दुनिया रुकी हुई मिली है, तो आपके अंदर ऐसा कोई हुनर है, आपके अंदर ऐसा कोई स्किल है तो उसे डेवलप करिए, उसके ऊपर वर्क करिए, और अपनी हुनर को और अपने अंदर हुनर को अपने पहचानिए और उसे डेवलप करते जाइए। और आपको ये 21 दिन आपको ऐसे मिले हैं कि ये टाइम जो है आपको इन्वेस्ट करना है, आपको ये टाइम जो है इन्वेस्ट करना है, आपको ये दुनिया रुकी हुई मिली है ताकि ये लॉकडाउन खत्म हो तो आपका जो है हुनर आगे आए और आप जो है समाज में एक नई पहचान बना सको और देश में एक नई पहचान बना सको। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पर, आवाज़ अली। आवाज़ अली एक बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा, शायद आपने और भी वीडियो देखे होंगे उनके, तो उनके पिताजी जो है कारपेंट्री का काम करते हैं और खेतों में भी काम करते हैं, कभी कभी मजदूरी पे जाना पड़ता है तो मजदूरी नहीं मिलती है तो उसके कारण उन्हें वापस भी लौट के आना पड़ता है। और उनका एक सपना है इंडियन आइडल जैसे बड़े शो पर गाना गाने का। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको उनका गाना कैसा लगा। और दोस्तों आज जो इतने बड़े बड़े सिंगर जो इस मुकाम तक पहुंचे हैं, शुरुआत जो है दोस्तों एक से होती है। अगर आपके भी अंदर ऐसा कोई हुनर है तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल के जरिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ईमेल मिल जाएगा, तो आप हमें उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर ऐसा कोई हुनर है तो आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर करिएगा, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे जितना हो सकेगा। और दोस्तों आज जो सिंगर जो हैं इस मुकाम तक पहुंचे हैं उनकी हिस्ट्री तो शायद आपको पता ही होगी कि वो किस रास्ते से उठकर आज इस मुकाम पर आए हैं। तो गरीबी एक बहुत बड़ा रोल होता है दोस्तों, गरीबी जो है अंदर से इंसान को झकझोर देती है, जो अंदर से आने वाली आवाज़ होती है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होती है और काफ़ी ज़्यादा इमोशन होते हैं ताकि उससे लोग जो है अट्रैक्ट हो सके। तो चलिए आपको सुनवाते हैं। ओ अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है, वो अमीर है तो होंगे, मैं गरीब हूँ तो क्या है, वो महल बना रहे हैं, वो महल बना रहे हैं मेरी झोंपड़ी के पीछे, ये सिला मिला है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, ये हवस है या मुहब्बत के भटक रहा है बबरा, ये हवस है या मुहब्बत आ, ये हवस है या मुहब्बत के भटक रहा है बबरा, कभी इस कली के पीछे, कभी इस कली के पीछे। कैसे है ये दुनिया, तू आया ना और कल भी नहीं, तू ना जाने आस पास है खुदा, तू
न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा।